नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। न्यूयॉर्क में दिखी दिवाली की अनोखी रौनक। संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर ने पहली बार मनाया दिवाली का पर्व। संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर पहली बार लगी हैप्पी दिवाली की नियॉन लाइट। तख्तापलट मामले में तुर्की सरकार ने 10,000 अधिकारियों को किया बर्खास्त। 15 मीडिया संस्थानों पर भी ताला लगाने का दिया निर्देश। बर्खास्त अधिकारियों और मीडिया संस्थानों को अमेरिका समर्थित धर्मगुरु फतुल्ला गुलेन का समर्थक होने का आरोप। अंतरिक्ष में 115 दिन बिताने के बाद साथियों संग धरती पर लौटी अमेरिका की कैट रूबिन। अंतरिक्ष में डीएनए परीक्षण करने वाली पहली महिला बनी कैट। नासा ने पूरे मिशन को बताया सफल। 3 महीने में 4 भूकंप के झटकों से दहला इटली। कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। 300 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। और यमन के शहर अल हुदैदा में हवाई हमला। हवाई हमले के जरिए सऊदी सेना ने एक जेल पर की बमबारी। 60 से ज्यादा कैदियों की हुई मौत। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।